सो हम आगे पढ़ते हैं. तो स्केडा क्या चीज़ है? जैसे आपने वीडियो में देखा कि स्केडा कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ठीक है. उन सिस्टम्स को कहते हैं एक्विजिशन सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मिलाकर बनाया जाता है. और ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, इनको ICS भी कहा जाता है. ICS इसके अंदर आमतौर पर कंट्रोल इंडस्ट्रियल समझें आपके, ये अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में जाते हैं ना जो कि इन फील्ड से मुतालिक हो, एनर्जी सेक्टर जैसे कि आप इलेक्ट्रिक ग्रिड में काम करते हैं, फूड एंड बेवरेज, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, पावर, रिसाइकलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड वेस्ट सिस्टम, आप मतलब कि कहीं पर भी दुनिया में चले जाएं, इस वक्त जहाँ पर भी इंडस्ट्री है, जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से स्केडा सिस्टम यूज़ होता है. जहाँ पर फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है, पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल गुड्स, यानी कि वो जो आप जो कैन के अंदर होते हैं, जो कैन के अंदर फूड डाला जाता है, ठीक है, या वो जो लोहे का कैन होता है ना आपने देखा होगा, या फिर वो जो कि पैकेट्स में पैक होकर आता है, आप आइसक्रीम खाएं, आप कुछ भी खाएं, ये सब किसी फैक्ट्री में बन रहा है ना, फैक्ट्री के अंदर बेसिकली स्केडा सिस्टम चल रहे होते हैं. पावर हो गई, ऑयल एंड गैस, आराम को आप देख लें, दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल एंड गैस कंपनी है BP, मैं जब ब्रिटिश पेट्रोलियम में था, जब मैंने वहाँ पर उनका ऑडिट किया था तो ये स्केडा सिस्टम्स का काम किया था, ठीक है. तो ये शेल, यहाँ पर भी मैंने काम किया था इसी का. जो हमारे रेहान उल हक हैं, उन्होंने BP में बहुत अरसे काम किया, वो तो डायरेक्टली BP में काम भी करने चले गए थे, ठीक है, जब हम कंसल्टिंग में थे तो वो उस तरफ से उधर चला गया था. तो ये सारा जो है ना ऑयल एंड गैस का, इन सेक्टर का यही काम है. रिसाइकलिंग बहुत बड़ा काम है, अब पेपर को ऐसे थोड़ी रिसाइकल होता है, ये बड़ी बड़ी इनको चलाना एक बड़ा मसला होता है. ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अगर आप फास्ट किसी बुलेट ट्रेन में बैठे हैं या आप किसी बाहर मुल्क में जाके, जैसे कि लंदन है, मैं लंदन में बहुत अरसे रहा, ठीक है, तो लंदन में जो है बेसिकली जो ट्रेन चलती हैं अंडरग्राउंड, वो उनका जो पूरा सिस्टम है स्केडा पे है. इनफैक्ट किनारी वॉफ की जो ट्रेन है, किनारी वॉफ जो एक जगह है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये कहते हैं इसको DLR, ठीक है ना, DLR ट्रेन होती है किनारी वॉफ पे जो चलती है. तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं बेसिकली ये इसके थ्रू चल रहे हैं. जगह है, ये जगह है जहाँ मैं आपको बता रहा था, किनारी वॉफ बड़ी खूबसूरत जगह है, पूरा मॉडर्न आर्किटेक्चर बना हुआ है. तो यहाँ की जो ट्रेन थी उसके अंदर जो ट्रेन चल रही होती है वहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं होता बेसिकली. आइडियल एग्जाम्पल ऑफ स्केडा सिस्टम, इसको डॉकलैंड लाइट रेलवे सिस्टम. अच्छा, इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर की बैठने की जगह होती है, लेकिन इट्स ऑल ऑटोमेटेड, कभी आपको ड्राइवर मिलेगा कभी नहीं मिलेगा. अच्छा, बैक एंड में इनके जो सिस्टम्स होते हैं, इनके टर्मिनल्स के ऊपर एक जगह होती है जहाँ ये बैठे हुए होते हैं सारे, और ये इसकी सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं. इसकी सिक्योरिटी जो है ना वो बड़ी वॉनरेबल है. अभी जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, और आप लोग सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार इसको सिक्योर कैसे करें. देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना कोई ड्राइवर नहीं होता, तो इट्स दिस इज़ आप कह सकते हैं कि ऑटोनोमस ये बेसिकली ट्रेन होती है. ऑटोनोमस का मतलब है कोई बैठा हुआ नहीं है, खुद पर खुद चल रही है, लेकिन इसको पीछे से ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, इन के ट्रेन की इंडस्ट्री जो है उसके अंदर जो सिस्टम है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है. इसी तरीके से मैं रोज़ाना सुबह तकरीबन 15 साल तक इसी तरह ट्रेन में ऊपर नीचे होता रहा. लेकिन वहाँ पर गाड़ी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लंदन से बाहर जब जाता था तो गाड़ी रखता था, और जब लंदन में तो गाड़ी रखने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि आप ट्रेन इस्तेमाल करके जा सकते हैं. आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एशियंस हैं,
तो मैं भी इसी तरह यहाँ पर एक सूट में खड़ा होता था, टोपी पहनी होती थी, बड़ी सारी दाढ़ी होती थी. एनीवे, सो हम पीछे आते हैं. सो जैसे मैंने आपको बताया कि इन इन इस इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होते हैं. अब इन सिस्टम्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है? ये आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स भी दूंगा इसके ऊपर, अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका, ठीक है? इसके अंदर सेंसर्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली प्रोग्राम, PLC का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल्स, उसको आप मैसेज देते हैं. RTUs का मतलब होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट्स, ठीक है? इन सबको हैक किया जा सकता है और बड़े आराम से हैक किया जा सकता है, बड़ा मसला है इन सिस्टम्स के साथ. सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं ना बड़ी बड़ी, जैसे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर जनरेशन्स की जगहें हो गई, पावर जनरेशन की जगह हो गई, जैसे पाकिस्तान में, कराची में, इधर मुख्तलिफ़ है, सऊदीया के अंदर सऊदी पावर ग्रिड है, मुख्तलिफ जो हैं दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएँ आपको मिलेंगे पावर ग्रिड्स होती हैं. उनके साथ सबसे बड़ा, और ऑयल एंड गैस सेक्टर जो होता है, उनके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो एक दफ़ा जब सिस्टम लगा लेते हैं तो इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं. ये बड़े बड़े हरक्यूलीज सिस्टम्स कहा जाता है इनको, बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, और इनको इतनी तेज़ी के साथ अपडेट नहीं किया जा सकता. आमतौर पर लिनक्स पे या इनके अपना एक बिल्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है? कुछ आपको मिलेंगे जो विंडोज़ 98 पे, आप पता नहीं किस किस पे भी चल रहे होते हैं, आपको ऐसी चीज़ें ही मिलेंगी, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार ये कैसे कंट्रोलर्स हैं, ठीक है? वो भी है. PLC हैं, प्रोग्राम लॉजिकल यूनिट्स हैं, और RTUs, उसको सेंसर मैसेज भेजते हैं, फीड्स आती हैं उसके पास. सेंसर डिटेक्ट करता है कि अगर ट्रेन जा रही है तो ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजर रही है, किधर किधर से जा रही है, और उसका डेटा जा रहा है, ठीक है? जैसे हम पीछे देख रहे थे ना कि यहाँ से ट्रेन आई, ट्रेन यहाँ पर आके खड़ी हो गई, तो यहाँ सेंसर लगे होते हैं स्टेशन के पीछे. जैसे यहाँ अगर मैं पीछे करूँ तो यहाँ पर सेंसर्स लगे होते हैं, आपको नज़र नहीं आते हैं, यहाँ पर पीछे लगे हुए होते हैं, और वो सारा डेटा भेज रहे होते हैं कि ट्रेन यहाँ पर आके अब खड़ी हो गई है, ठीक है? यहाँ पर सेंसर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, और अब ट्रेन जो है इससे आगे जाएगी. तो ये सारे काम होते हैं. फिर ये प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स और RTUs होते हैं, ये आपको मज़ीद आगे सिस्टम भेजते हैं, ठीक है? HMI और SCADA पैनल व्यू पे, यहाँ पर सुपरवाइज़र देख रहा होता है बैठ कर कि क्या हो रहा है, कि मैं अब सब बैठ गए कि नहीं. उसके पास कैमरे में वो भी आ रहा होता है कि लोग खाली सब बैठ गए हैं यहाँ पर, और अब मैं ट्रेन चला सकता हूँ. जब ये सब लोग ट्रेन में बैठ जाएँ, जैसे कि देखें अब ये सब बैठ रहे हैं ना, ट्रेन में सब बैठ गए, तो वो पीछे से बटन दबाता है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं. देखें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ. ठीक है, तो ये बेसिकली एक पूरा सिस्टम होता है, और सुपरवाइज़र जो है उसके पास CCTV की फीड भी आ रही होती है अलग से, और ये यहाँ नज़र आ रहा होता है कि भाई सब लोग बैठ गए हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, ठीक है? अच्छा, इसी का पैनल व्यू अलग होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है फ्रॉम ऑपरेशनल टर्मिनल. और सुपरवाइज़र इन कंट्रोल वर्क स्टेशन से भी वो देख सकता है, अगर वो किसी और कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं तो वर्क स्टेशन अलग है. और यही सारे जो डेटाज़ हैं, अच्छा, मैनुअल इनपुट्स भी होते हैं, सेंड डेटाज़ टू PLC और RTUs. एक तो सेंसर हो गया ना, एक मैनुअल भी होता है. अगर वहाँ पर किसी ने ट्रेन के अंदर कोई चीज़ खींच ली, ठीक है, कि ट्रेन रुको, दैट्स अ मैनुअल इनपुट, ठीक है? ये एक मैनुअल इनपुट की एग्जांपल है, ठीक है? तो मैनुअल इनपुट से भी, इन मैनुअल ये है कि मैनुअली कोई हाथ से उसको वो करे. यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा मसला हो तो यहाँ पर भी ट्रेन को रोकने की चीज़ें वगैरह होती हैं, तो मैनुअल इनपुट्स यहाँ पर जो ट्रेन स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर खड़ा होता है वो कर सकता है, राइट? तो बड़ी खूबसूरत जगह है और बड़ी मज़ेदार जगह है. यहाँ पर आमतौर पे इनके कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं, RTUs और MTUs. यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो जमा हो रही होती है, पावर ग्रिड्स की, इनकी दूसरी चीज़ें लगी होती हैं, क्योंकि टोटल ये इलेक्ट्रिक से चलती है. जुबली लाइन है जो चलती है, जुबली लाइन मैं बहुत इस्तेमाल करता था क्योंकि मेरा मेरा ऑफिस यहाँ पर था.
फिर मैं बाद में MI5 के ऑफिस के सामने जो बिल्डिंग थी वहाँ चला गया था, सौखा में, सीरियस ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट. ये देखिए, अब ये पूरी पावर ग्रिड्स हैं, ये सारी पावर ग्रिड्स बिछी हुई हैं और यहाँ से चलते हैं, और यहाँ इसके नीचे कंट्रोल रूम्स होते हैं जहाँ पर ये स्केडा के सुपरवाइजर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ इनके पास सिस्टम्स आ रहे होते हैं. और मैं दिखाता हूँ आपको और कहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी. अच्छी सी कोई अगर मुझे वीडियो क्लिप नज़र आ जाए तो मैं आपको दिखाऊं. इसमें तो नहीं है अभी. ये एक अच्छा सिस्टम है, मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ कि इन्होंने दिखाया है अंडरग्राउंड सिस्टम कैसे इनका चलता है, सिग्नलिंग. दिस इज़ द स्केडा सबसर्फेस रेलवे इज़ आल्सो नोन एज़ द सर्कल लाइन, द डिस्ट्रिक्ट, हैमरस्मिथ एंड सिटी एंड द मेट्रोपॉलिटन लाइंस. कलेक्टिवली दे अकाउंट फॉर अबाउट 40% ऑफ द एंटायर लंडन अंडरग्राउंड नेटवर्क. Sections of the railway are over 150 years old and much of the equipment on it, including the signaling. देखें, इसने एक बात की कि जो सिस्टम्स हैं ये 150 ईयर्स ओल्ड हैं. आपने देखा, ये मच ऑफ द सिस्टम इज 150 ईयर्स ओल्ड. सेक्शंस ऑफ द रेलवे आर, ये सिस्टम्स को इतनी ऑन इट इंक्लूडिंग द सिग्नलिंग. देखें, सिग्नलिंग का जो सिस्टम है वो 150 साल पुराना है. अब उसको इंटीग्रेट करना है डिजिटल डिजिटाइजेशन के साथ एक बड़ा चैलेंज होता है. फिर उसको सिक्योर करना एक और बड़ा चैलेंज है. तो दुनिया में इस वक्त 99% जो स्केडा सिस्टम्स है ना वो सिक्योर नहीं है. चलें आपको एक और चीज़ बता दी, इसमें बहुत डिमांड है. इसमें अगर आपको काम आता हो, आप अच्छी तरीके से काओ जाओ तो आपके मतलब कि आप एक जगह बैठ जाओ, बस बैठ के काम ही करते रहो, ये ऐसी जॉब होती है, ठीक है. तो बहुत जो लोग यूरोप में हैं, जो लोग नॉर्थ अमेरिका में हैं, जो लोग मिडल ईस्ट में हैं, जहाँ पर जापान वगैरह में जहाँ पर लोग हैं, अगर वो ये पढ़ के हमसे जाते हैं इंशाल्लाह, और जब अल्लाह ताला हमें इसके ये ISO की एक्रेडिशन करवा दे इंशाल्लाह हमारी खैर वाफीत के साथ, अल्लाह ताला हमें इतने मेंबर्स मिल जाएं कि हम उस पर इंशाल्लाह पैसे ला के लगा सकें, तो फिर हमारी वैलिडेटेड और एक्सेप्टेड भी होगी. लेकिन अगर आप ऐसे भी जाएंगे तो ये बहुत एक्सेप्टेड होगी, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये सब इनके काम की होंगी, और आप इंटरव्यू में जो बातें करनी होंगी मैं आपको सब बताऊँगा, समझाऊँगा, सब कुछ कराऊँगा, तो ये सब हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाबी तो फरमाए. तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं. इसकी क्वालिफिकेशंस अगर आप ऐसे करने जाओगे तो होती नहीं है, ठीक है. लोग ये लोग ख़ुद अपनी ट्रेनिंग्स पे भेजते हैं. अब कुछ कंपनीज़ ने शुरू की हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक बड़ी बड़ी मार्केट नज़र आई है और हम वही काम कर रहे हैं. अब इसको ज़रा देखें, बड़ा मज़ा आएगा आपको, फिर हम आगे चलते हैं. Is in the order of 80 years old. That provides us every day with a significant challenge to operate. ये जो आपने पीछे देखा ना, ये इनका सुपरवाइजरी सिस्टम था पुराने ज़माने का, गियर्स लगे हुए सब. ये दिस इज, इसमें इनको थोड़ा सा ऑटोमेट कर दिया, लेकिन सिग्निफिकेंट चैलेंज टू ऑपरेट एंड मेंटेन द रेलवे. यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन अ रूम पुलिंग लीवर्स, द पीपल ऑपरेट. देखिए, ये अभी तक पुराना सुपरवाइजरी सिस्टम है, पुराने सेंसर्स लगे हुए हैं, ये PLCs हैं इनके, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल्स, ठीक है, जो सारे मैसेजेस वगैरह देते हैं. CCTV लगा हुआ है, तो ये इनके पास, इनको इसी तरीके से चीज़ें नज़र आती हैं. पुराने ज़माने का देखें सिस्टम और फ़ोन लगा हुआ है. Operating that have quite a tough job on their hands. Edgeway Road cabin. Edgeway Road वही जगह है जहाँ पर आपको काफ़ी अरब मिलेंगे, काफ़ी अच्छी जगह ही है. And in 1926, on a daily basis, Edgeway Road runs approximately 925. एक पीछे से मैं आपको दिखाना भूल गया, चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आई. ये आपका जो था ना, जो मैं कह रहा था ना आपको, HMI SCADA पैनल ओवरव्यू, सुपरवाइजर कंट्रोल ओवरव्यू, ये टर्मिनल गियर है आपको जो ऊपर नज़र आ रहा है, ये टर्मिनल है, ठीक है. तो इसमें आपको चीज़ें नज़र आती हैं कि किस तरह से क्या हो रही हैं. ये सारे पुराने जो सिस्टम्स हैं ना, इनको सिक्योर करना बड़ा आसान है, लेकिन इनको हैक करना सबसे आसान है. 925 ट्रेन्स, दैट इक्विवेलेंट्स टू, ये देखें ये सारे कंट्रोल्स, ये सब. अब ये इन्होंने जो डिजिटाइजेशन करके इनको इस ट्रेन की पटरी को वो तो बना दिया, लेकिन यहाँ जो सेंसर्स वगैरह लगे हैं ये सब पुराने सेंसर्स अभी तक चल रहे हैं. 3600 lever movements a day. The signals roll here. और देखें माशाल्लाह, एक मुसलमान भी नजर आ गया, दाढ़ी वाला, जबरदस्त, सुभान अल्लाह. Is to keep the trains moving at all times. It's like a game of chess. You've got to be two steps ahead all the time. ये यहाँ पर जो है इन्होंने वार्निंग लगाई हुई ना सर, यहाँ पर इनके पास सुपरवाइजरी ओवरव्यू भी होता है वर्क स्टेशन का, कि अगर वो यहाँ बैठ के देखना चाहे तो. यहाँ अक्सर एक आदमी बैठा हुआ होता है, टेक्नीशियन वगैरह, देख रहा होता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है.
क्योंकि यहाँ इतनी सारी केबल्स और क्या क्या चीज़ें जा रही होती हैं, तो दे हैव टू मेक श्योर कि इंजीनियर्स यहाँ बैठे हों. You have large mechanical lever frames, and those things are operated by people at their pace. The rooms themselves simply operate a very small geographic area. So consequently, you can't get the full system overview of how the signaling system will work. So to deal with the challenges of the 21st century, we need to move the technology into... Yeah, we need to move the SCADA ka na, the role of data centers, jo main aapko abhi bataunga iske bare mein, ye samjhaunga, thoda sabr karein, main aapko thoda sa pehle samjha dun, dikha dun, theek hai, the role of data center. Ab data centers mein ab cheezein aa rahi hain, aur 21st sadi hai, to duniya kahan se kahan chali gayi hai, dekhein, to ab zara samjhein iske. To the 21st century. Ye high gate control center jo hai na, command center hai, लंडन अंडरग्राउंड का, अगर आपने इसको किसी ने हैक कर दिया तो ही कैन कंट्रोल ऑल द थिंग्स बेसिकली. इट्स अ बिग चैलेंज. The upgrade will provide us with a new control center based at Hammersmith. That control. ये पीछे सुपरवाइजरी कंट्रोल नया वाला इनको नज़र आ रहा है, ठीक है, वही लेकिन डिजिटल फॉर्म में नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है. ये वर्क स्टेशन वाला है, लेकिन जैसे कि ये तो वहाँ वो बैठ के देख रहा था ना, जो सुपरवाइजर कंट्रोल कर रहा होता है, ये वर्क स्टेशन पे पीछे जो नजर आता है वो ये वाला है. कंट्रोल सेंटर विल बी वेरी मच लाइक द हाई गेट कंट्रोल. लेकिन ये इनको वही जो चीज वो वहां बोर्ड पे दिख रहा था, ये इसको डिजिटाइज फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन है वही चीज है, कोई फर्क नहीं है इसमें. सेंटर यूज्ड टू ऑपरेट द न्यू सिग्नलिंग इक्विपमेंट ऑन द नॉर्दर्न लाइन. वी विल हैव स्टेट. ये आप टर्मिनल्स देख रहे हैं तो आप इसे अंदाजा कर लें कि अक्सर चीजें लिनक्स पे चल रही हैं, और जिस वर्जन ऑफ लिनक्स पे चल रही होती हैं उसको अपडेट नहीं किया जाता लिनक्स, और बाज़ औक़ात इनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं जिस पे चल रही होती हैं चीज़ें. The art technology comprising of advanced computers that are designed to provide a very reliable system. We're really excited about deploying that new. कह तो रहे हैं ये एडवांस सिस्टम्स, बट एडवांस सिस्टम्स किए हुए तो हैं, लेकिन इन्होंने उसको सिक्योर किया हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों से, और मैं आपको बाद में बताऊँगा. New signaling technology. It will provide in the order of 33% increase in capacity, and that equates to about 36,000 additional passenger journeys per hour across the network. Other benefits from the system include faster journey times, availability and reliability, less delays along the railway. Overall, the traveling experience should be much better for the traveling public. Anyway, तो ये आपको एक quick सा rundown दिखाना था कि कैसे चीजें आती हैं, ठीक है? तो यहाँ दिया हुआ है व्हाट इज स्केडा. इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में यूज़ होते हैं, मेंटेन एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूट डेटा फॉर स्मार्टर डिसीजंस, एंड कम्युनिकेट सिस्टम इश्यूज टू हेल्प मिटिगेट डाउन टाइम. राइट, बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑपरेट नहीं कर सकती. लार्ज कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशंस होती हैं इसकी, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इतनी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल होंगी उनको रिजॉल्व करना, उनको ठीक करना, उनको संभालना, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वर्चुअली आप कहीं पर भी दुनिया में चले जाएं, आपको स्केडा सिस्टम्स नज़र आएंगे. जो पुराने ज़माने के मैंने बर्थ आप दो आपको स्केडा दिखाया है, 150 साल पुराने, 100 साल पुराने, वो आपको अभी आपने देखे थे वहाँ कमरों में, ये अभी तक चलते हैं, ठीक है. बहुत सारी जगहों पर पुश बटन होते हैं, आप बटन पुश करें लिवर चलता है, इलेक्ट्रिक करंट जाता है, वहाँ से चीज़ें मूव होती हैं, ठीक है. और 1950s से कंप्यूटर्स जो फर्स्ट डेवलप हुए थे तो 1960s में ही इसको लेकर आ गए थे गैस पाइपलाइंस यूटिलिटी कंपनीज़ में, ठीक है. ये चिप पैनल्स आपको अभी भी बहुत सारी पावर ग्रिड्स में नज़र आएंगे, गालिबन अगर आप पाकिस्तान के KEC में जाएं तो वहाँ भी शायद आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आए. मैं नहीं गया, लेकिन हो सकता है, या अगर आप सऊदीया में या कहीं और किसी पुराने, सऊदीया तो बहुत एडवांस हो गया, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं अफ्रीका वगैरह में, तो वहाँ पर ये अभी भी चल रहे हैं, और ये चल रहे होते हैं और बिल्कुल सही काम कर रहे होते हैं. एवोल्यूशन ऑफ स्केडा 1980s और 90s में जब लोकल एरिया नेटवर्क आया, लैन आया, तो उन्होंने इसको बड़ा चेंज किया, इन्होंने इसको अपग्रेड किया, ठीक है. पीसी बेस्ड HMI सॉफ्टवेयर डाले गए, मुख्तलिफ चीज़ें डाली गई, ठीक है. इसको यानी कि HMI का मतलब होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ठीक है, वो डाला गया. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डाली. अर्ली 2000s में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मॉडल्स आ गया, स्केडा ने इसको कर लिया. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मॉडल का मतलब होता है कि जो आपने वहाँ भी पढ़ा भी है कि मुख्तलिफ सिस्टम्स मुख्तलिफ जगहों पे एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, सेंट्रलाइज नहीं होते.
और ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब है कि इन्होंने ओपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स रखे हैं, सारा लिनक्स पे चलता है ये, ठीक है, अपने आप को लॉक इन नहीं करते किसी वेंडर स्पेसिफिक, दैट फॉर नॉन वेंडर स्पेसिफिक, कोई वेंडर के ऊपर ना हो, ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर इनका है, ठीक है, और दुनिया में इस वक्त बड़ा कामयाब है, अच्छा है। अभी तक ये जब SQL की बूम आया, SQL स्ट्रक्चर, जब SQL डेटाबेसेस आए, ठीक है, डेटाबेस आया, तो उसमें इन्होंने उसको भी अडॉप्ट किया, बट इतने आराम से नहीं हुआ, अभी भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है ज़रा थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं अभी, मतलब कि अभी भी इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री इतने आराम से मूव नहीं हो सकती, क्योंकि हल्का सा भी मूव करना हो ना तो उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कॉस्ट चली जाती है, क्योंकि आपको डाउन टाइम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप नीचे नहीं बैठा सकते, कम ये तो नहीं कर सकते ना कि आज इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड बोले कि भाई आज बिजली नहीं आएगी, हम सब कुछ बंद कर रहे हैं, सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको हर चीज़ को रखना भी होता है और चलाना भी होता है। मॉडर्न स्केडा सिस्टम जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अगेन इनको भी एक दफ़ा बनाते हैं उसके बाद दोबारा से नहीं करते, फ़ौरन से नहीं करते, और अब जो आए हैं जिस तरह आपने देखा वो इस तरह के काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। यहाँ पर फिर ये जो कंपनी है जिसकी मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा था, इग्निशन वाले, ये आपको दिखा रहे हैं कि आप इनसे सॉफ्टवेयर लें, इनका सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करें, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका सॉफ्टवेयर चलता है, अच्छी कंपनी है और काफ़ी ज़बरदस्त इनका सॉफ्टवेयर है, इन्होंने इसको पूरा एक डेटाबेस बनाया हुआ है SQL का, अगेन ओपन आर्किटेक्चर है, ओपन, लेकिन लिनक्स पे चल रहा है सब कुछ, मोबाइल डिवाइसेस से भी आप ले सकते हैं, वेब क्लाइंट से भी लॉन्च कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड गेटवे है, सर्वर गेटवे, जहाँ से आप जाके लॉगिन करके सब चीज़ें देख सकते हैं। PLCs वही पुराने ज़माने के लगे हुए जो हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपने देखना है ना कि आपने हैक कैसे करना है, तो इग्निशन का प्लेटफॉर्म तो चल ही रहा है, ये इनका प्लेटफॉर्म देखें अगर आपने लेना है, और तो तकरीबन $10,000 से शुरू होता है और फिर 30,000 सालाना इतनी रकम आपको लगानी होती है। टैग्स एंड डिज़ाइनर्स, विजन क्लाइंट्स, ये सब चीज़ें अगर आप हैकिंग करना है ना या इसको सिक्योर करना है, तो आप देखो टैग्स एंड डिज़ाइनर्स, विजन क्लाइंट्स क्या हैं, इनको कैसे हैक कर सकते हैं हम लोग, सिंबल फैक्ट्री, अलार्म नोटिफिकेशन मॉड्यूल को, ANM को हम कैसे हैक कर सकते हैं, एलन ब्रैडले ड्राइवर्स, सीमन के ड्राइवर, ये जो ड्राइवर्स हैं ना, सीमन कंपनी और एलन ब्रैडले, ये दोनों सबसे ज़्यादा ये बनाते हैं अपनी कंपनी के ड्राइवर्स वगैरह, जिसको आप कर सकते हैं, आपने किसी इन कंपनी का अगर सामान लिया हुआ हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, और इनमें बड़ी ज़्यादा किस्म की ना ख़तरनाक किस्म की वॉनरेबिलिटीज़ निकलती हैं, सीमेंस ड्राइवर की भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं, ये उनके मॉड्यूल्स हैं जो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं कि यार ये मुझे बताओ कि ये किधर है और मैं इसको कैसे, और ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है और इसको कैसे हैक किया जा सकता है। अंडरग्राउंड में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसमें लोग आपको बताएंगे कि ये हैक कैसे किया जा सकता है, ये देखें सीमेंस का पूरा मॉड्यूल उन्होंने दिखाया है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो हैकर की तरह अगर आपने सोचना है, काम करना है, किसी भी कंपनी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो थोड़ी तैयारी करके जाएं कि उनके पास कौन कौन से यूनिट्स हैं, किस किस तरीके से उनको सेव किया जा सकता है, ये वो, तो फिर आप देखो पहले इंटरव्यू में आपकी जॉब हो जाएगी यार, ज़रा तैयारी करके जाना होता है ना इसके लिए। रिपोर्टिंग मॉड्यूल, SQL ब्रिज मॉड्यूल, SQL है तो SQL ब्रिज आप आराम से SQL मॉड्यूल को आप हैक कर सकते हैं, उसकी बहुत वो इश्यूज़ आते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं। SMS नोटिफिकेशन मॉड्यूल, OPC.com मॉड्यूल, DNMP3 रियल टाइम ड्राइवर जो है, इसको भी आप किस तरह से कर सकते हैं, आप देखें ये पुरानी इम्प्लीमेंटेशन पे चल रहा है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको प्राइस नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपने सिक्योर करना है तो आपको पूरा आर्किटेक्चर तो उन्होंने इधर ही बता दिया, ठीक है, तो आप कैसे हैक कर सकते हैं। इनके पास प्योर वेब मॉड्यूल्स भी हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने पोर्ट 80 और 443 खोला हुआ होगा, जहाँ से लोग कनेक्ट करके वो देख सकते हैं, या कोई और पोर्ट्स खोले होंगे तो आप nmap से स्कैन करके इनको देख सकते हैं, राइट। तो ये आपका वो है, अब हम इस पे यहाँ पॉज लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इस कोर्स में आप पढ़ेंगे क्या इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।